क्या कभी मार्स पर लाइफ रही होगी? ये एक सवाल है जिसके जवाब साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि मंगल कुछ कुछ पृथ्वी जैसा ही है। मंगल सूर्य से चौथा और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का अंतिम ग्रह है। ये सूर्य से लगभग 22,80,00,000 किलोमीटर दूर है। ये 22,80,00,000 किलोमीटर की कक्षा के साथ सूर्य की परिक्रमा करने के लिए मंगल पृथ्वी के 687 दिन लेता है। पृथ्वी के एक्सेप्शन के साथ मंगल ग्रह जीवन के लिए सबसे अधिक हॉस्पिटेबल है। कई अंतरिक्ष मिशन अगले एक दशक के लिए योजना बना रहे हैं, जो मंगल की हमारी समझ को और बढ़ाते हैं। और जब इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की क्षमता होगी तो ये मुमकिन है कि यहाँ एक कॉलोनी बसाई जा सकती है। पृथ्वी की तरह ही मंगल के पास एक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक जो ये मानते हैं कि यह लगभग 4 अरब साल पहले की एक चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा। मंगल के 39 मिशनों में से केवल 16 ही सफल रहे हैं। यूएसएसआर के मार्स 1 के साथ शुरुआत, जो 1960 में शुरू की गई थी। 39 ऑर्बिटर्स, लैंडर्स और रोवर्स मंगल भेजे गए हैं, लेकिन उनमें से 16 मिशन ही सफल रहे हैं। 2016 में यूरोप के एक्सो बायोलॉजी ऑन मार्स कार्यक्रम मंगल ग्रह को मंगल ग्रह के जीवन के संकेतों के साथ साथ ग्रह की सतह और इलाकों का अध्ययन करने और भविष्य के मानव मिशनों के लिए संभावित पर्यावरणीय खतरों को मंगल पर खोजेगा। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह ही ऐसा ग्रह है जिस ग्रह पर सबसे भारी मात्रा में धूल के तूफान आते रहते हैं। ये तूफान सूर्य की चारों ओर भ्रमण करने के अंडाकार मार्ग की वजह से है। अन्य ग्रहों की तुलना में कक्षा मार्ग अधिक विस्तृत है और इस अंडाकार आकार के कक्षा में भयंकर धूल के तूफान आते हैं जो पूरे ग्रह को कवर करते हैं और ये कई महीनों तक रह सकते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, 24 सितंबर 2014 के बाद से मंगल की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष यान है। ये भारत के इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगलयान भारत का पहला ही अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान सक्सेसफुली लैंड कर गया। मंगलयान का खर्चा नासा की तुलना में सिर्फ 11% ही था। मंगल ग्रह पृथ्वी के अलावा एकमात्र अन्य ग्रह है जिसमें ध्रुवीय बर्फ की छड़े हैं। उत्तरी टोपी को प्लैनम बोरियम कहा जाता है, जिसके दक्षिण में प्लैनम ऑस्ट्रल है। मार्शियन आइस कैप के नीचे पानी की बर्फ भी पाई गई है। जवाब चाहे जो भी हो, हर साल वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवनों के संकेत ढूंढ रहे हैं, लेकिन मार्स पर जीवन ढूंढने के एक युग की शुरुआत हो चुकी है।